ये जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ एकदम रियल है। आज से एग्जैक्टली 5 साल पहले मैं बैंगलोर में था अपने दोस्तों के साथ। हम लोग एक घर में रह रहे थे, रात के 12-1 बजे के बाद, जैसा सब 5-6 लोग दोस्त लोग साथ में रहते हैं ना, कोई भी मूवी का प्लान बन जाता है और कुछ खेलने का प्लान बन जाता है। हमारा भी प्लान ऐसे ही कुछ बना। हम लोग सारे बैठे थे मूवी देखने, 1 बजे मूवी चालू हुई, 2:30-3 बजे तक सबका मन किया कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते। हम लोग ने खाने के लिए ऑर्डर किया, खाना सब कुछ आया, खाना वाना सब खा लिया। उसके बाद हमारा जो गेट था मेन गेट, उसके एकदम बाहर कचरे का डब्बा रहता था। हमने उस कचरे के डब्बे में सारा अपना कचरा डाल दिया, जितना भी खाने का था, बहुत कुछ ऑर्डर किया था, कचरे का डब्बा फुल भर गया। फिर से हमने नई मूवी चालू कर दी, एपिसोड पे एपिसोड देख रहे, बिंज वॉच कर रहे। 4-4:30 बजे की बात है, अंधेरा ही था। मैं बीन बैग पे बैठा था, मेरे दोस्त लोग सब सोफे पे बैठे थे, एक नीचे लेटा हुआ था, डोर के सबसे करीब मैं था। एंड मेरे को सबसे पहले आवाज आई डोर की, टक टक। एग्जैक्टली मेरे को लगा कोई चूहा बिल्ली ऐसा कुछ होगा, तो मैं इग्नोर किया। 2-3 बार कंटिन्यूस आने लगी। उसके बाद जो कचरे का डब्बा जो था, कचरे के डब्बे में जो कचरा था, जैसे कि वो पैकेट्स होते ना खाने के, उसके हिलने की आवाज आई। तो मैं मेरे बाजू वाले दोस्त को बोला, भाई तेरे को आवाज आ रही है क्या? बोलता आवाज आ रही है। मैं गेट की तरफ गया, जैसे मैं गेट खोला, कचरे का डब्बा उछला। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, क्रॉस सीढ़ियां रहती थी, क्रॉस सीढ़ियां जाती थी सीधा ग्राउंड फ्लोर पे। सारा का सारा कचरा जितना भी था, सारा कचरा भागा है सीढ़ियों से मेन गेट तक। आप लोग इमेजिन नहीं करेंगे, अगर 10 कचरे के पैकेट है ना, उसमें से एक एक कचरा एक एक सीढ़ी पे गिर के ऐसा मेन गेट तक भागा है। और इस प्लेसमेंट में गिरा है ना सारा कचरा, ऐसा लग रहा था कि कोई आया था खाना चुराने, खाना उसमें से लेके गया है, जैसे हम दरवाजा खोले भागा है और भागने की आवाज आई है। हमारी फटके 4 हो गई थी भाई, 5 दोस्त उठे, मेन रोड तक गए, गेट तक गए, देखने की भाई क्या था, कोई छोरा आया था या कोई चूहा था या बिल्ली थी। ना कोई चूहा, ना कोई कुत्ता, ना कोई बिल्ली। कचरा जिस प्लेसमेंट में गिरा था उससे क्लियर लग रहा था कि कोई आया, खाने की कोशिश किया, पकड़े जाने के चक्कर में भाग के सारा कचरा गिरा के गए। हम लोगों ने वो सारा कचरा उठाया, और जो फटी में उठाया ना भाई, उनको क्या बोलूं। उस दिन भाई, उस दिन के बाद से हम लोग मूवी देखना बंद कर दिए, रात को 12 बजे सोना चालू कर दिए, कचरे का डब्बा पोजीशन चेंज कर दिया और वो घर चेंज कर दिए। ये थी स्टोरी भाई साहब, और ये रियल स्टोरी, गलत स्टोरी थी ये तो। क्रेटोस से पूछ लेना, रियल स्टोरी भाई, हो गया है, 3 दिन करते हैं। क्रेटोस क्रांति किसी से भी पूछ लेना, ये रियल स्टोरी है। मैंने दरवाजा खोला था, सच में हुआ था, इतना हुआ था क्या? अरे मैं जैसे गेट खोला ना, एकदम से वेदर नॉर्मल है, ठीक है, गेट खोलते कैसा, अगर तेरे सामने से विंडमिल चल रहा है, ऐसी हवा आती है, ऐसी हवा, सारा कचरा, और जिस तरीके से कचरा गिरा है ना भाई, अगर समझ ले 12 सीढ़ियां हैं क्रॉस में, 6-6 मतलब गोल घूम के स्पाइरल। एग्जैक्टली भाई, जैसा सीढ़िया, जैसा सीढ़िया है ना, वैसा 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 गिरी, और हर सीढ़ी पे एक कचरा, और मेन गेट बंद है भाई, कोई जानवर आनवर आने का चांस ही नहीं है, मेन गेट पूरा बंद है। मैं, मेरे मॉम नैन, मेरे सिस्टर है ना, जब तक हम लोग कुत्ता पेट शिफ्ट नहीं हुए ना, उसके पहले से हम लोग जितने भी रेंटेड घर में रहना, सब में कुछ ना कुछ कांड हुआ। सबसे पहले हम लोग रहते थे चार मीनार में, चार मीनार से हम लोग गए बेगम बाजार, बेगम बाजार तो हॉन्टेड हाउस था, वहां से फिर हम लोग गए, वहां से गौलीगुड़ा गए, गौलीगुड़ा के बाद हम लोग आए जामबाग, जामबाग सही था, उसके बाद हम लोग कुत्ता बैठा। तो जो सबसे पहले तुमको कहानी सुनाता हूँ, हम लोग जब बेगम बाजार में गए, बेगम बाजार हम लोगों के लिए एक ऐसी जगह थी ना, जहाँ पे हम लोग मरते मरते बचे 3-4 बार, मतलब हॉन्टेड, मतलब एकदम हॉन्टेड प्लेस था, पता नहीं वो घर में क्या था, बैड वाइब्स थे क्या था, कोई आइडिया नहीं, गाड़ियाँ गायब हो गई मेरे भाई। हाँ तो यारो, सीन ऐसा था ना, बेगम बाजार वाले घर की कहानी बनाता हूँ, वहाँ पे ना लेकिन हम लोग 3 बार मरते मरते बचे यारो, तीनों कहानी सुनाता हूँ, तीनों बार मरते मरते। सबसे पहली कहानी यारो, घर कैसा था ना, नीचे शॉप थी, शॉप के राइट साइड में पतली सी स्टेयर सीधा ऊपर जाती थी, नैरो स्टेयर थी, हमारे घर के लिए जाती थी फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो एक बार ना स्कूल के लिए मैं सुबह जब जा रहा था ना, स्टेयर कैसी है ना, एकदम मोटी स्टेयर और एकदम नैरो, एक बंदा ही चढ़ेगा, एक बंदा ही उतरेगा, वैसा स्टेज। तो एक बार मैं स्कूल के लिए जब जा रहा था ना, जब मैं स्टेज के लिए टर्न नहीं आना उतरने के लिए, मेरे मॉम मेरे को देख रहे थे पीछे। जब मैं स्टेज का पहला स्टेप लेने गया ना, लेजिट ऐसा कोई पीछे से पुश किया, लेजिट ऐसा पुश किया, आवाज आया और मेरे मॉम ने देखा है, और मैं जो रोल होके सीधा रोड पे गिरा हूं, और इतने से बचाऊ, सामने से गाड़ी आ रही थी,
वो गाड़ी वाला और थोड़ा आगे जाता ना, गाड़ी के नीचे आ जाता, वो सबसे डेंजर इंसिडेंट हो गया। मेरी मॉम ने देखा, लेजिट आवाज भी आया, पुश कर गई। दूसरी बात, उसी घर में मेरे मॉम किचन में खाना बना रहे थे, खाना बना के चले गए मेरे मॉम, ठीक है। हम लोग हॉल में बैठे, गैस बंद है, सब कुछ बंद है, अचानक से पूरे किचन में आग लग जाती, गैस ऑन हो जाता है, अपने आप आग लग जाती, अचानक से पूरा किचन में आग लग जाती, पूरे स्टोव पे आग लग जाती, पूरी दीवार खाली हो गई किचन। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग हॉल में सोते थे, मैं मेरी बहन जमीन पे सोते थे बेड पे, ऊपर जो पंखा रहता है ना, मेरे मॉम सुबह उठ गए थे, हम लोग बच गए, मतलब आज हमारा चेहरा ऐसा होता नहीं होता मेरे को नहीं पता। जो पंखा है ना सीधा नीचे गिरा भाई, और हम दोनों के फेस है ना अगर गलती से भी इन्वर्टेड होते ना एक दूसरे की तरफ, बाजू बाजू से हो रहे थे मैं मेरी बहन छोटे छोटे, अगर इन्वर्टेड फेस होते ना हम दोनों का चेहरा चला गया, हम दोनों के फेस एक दूसरे की तरफ नहीं थे, ऑपोजिट थे, अगर वो उधर देख रही तो मैं इधर देख रहा, और पंखा सीधा दोनों के बीच में गिरा। वो घर में नेगेटिव वाइब था पूरा, ओवरऑल देखा जाए तो। ये इंसिडेंट जब हुआ था ना पंखे वाला, और एक दिन पहले जब ये हुआ था, ये तब हम लोग समझ गए थे घर हमारे लिए नहीं है भाई, हम लोग तब का तब वो घर खाली कर दिया। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हुए मेरे भाई गोलीगुड़ा वाले घर, वो घर की कहानी तो अम्मा डेंजर रे बाबा, वो भी नेगेटिव वाइब वाला घर था। उसके सेकेंड फ्लोर पे हम लोग थर्ड फ्लोर पे रहते थे, जब भी आप रात को सेकेंड फ्लोर से जाओगे ना, आप कितने भी स्ट्रांग रहो, वो सेकेंड फ्लोर से जाते रहे पे आप कांप जाओगे, नेगेटिव वाइब, वो घर में नेगेटिव वाइब थी, उस घर के सेकेंड फ्लोर पे नेगेटिव वाइब, आपकी चलने की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी उस सेकेंड फ्लोर से जब आप जाओगे। हम लोग का थर्ड फ्लोर पे था, जब फर्स्ट से थर्ड फ्लोर चढ़ते थे, सेकेंड फ्लोर की सीढ़ियां क्रॉस करते टाइम पे ऑटोमेटिकली हमारे पैर जल्दी चढ़ना चालू करते थे, क्योंकि वो वाइब गंदी थी। एक दिन रात को 3 बजे के अराउंड मैं भयंकर बीमार पड़ा, भयंकर, मम्मी उठी, दवाई हवाई दे रहे मेरे को, ठीक है। हमारे घर में हॉल की तरफ एक विंडो था जहां से वो स्टेयर्स दिखते हैं, कि अगर कोई आ रहा है तो स्टेयर्स में से देख सकते हैं कि कौन आ रहा है घर के। उसके पहले 2-3 कांड ऐसे हुए थे उस घर में कि रात को खिड़की फूट गई और खिड़की मार रहा है कोई, ऐसे इंसिडेंट्स हुए, गेट मार रहा है कोई, ये सब होते रहता था। और उस दिन रात को ना भाई मैं जैसे बीमार हुआ, मैं उठा, गोली लिया, हमारा जो घर था ना हॉल में एक डक था, डक, वो डक पूरा ओपन डक है, फर्स्ट फ्लोर वाले को भी डक है, सेकंड फ्लोर वाले को भी, थर्ड फ्लोर वाले टेरेस तक ओपन डक है ताकि सनलाइट आए, एंड वो वेंटिलेशन का वो था, वो हवा आने के लिए। रात को 3 बजे जब मैं उठा, बीमार हुआ, गोली वोली दिए, सडनली भाई ग्राउंड फ्लोर से लेके टॉप फ्लोर के टेरेस तक कोई हील्स पहन के भाग रहा है, बप्पा की कसम खा रहा हूं, कुछ झूठ नहीं बोल, हील्स पहन के कोई ऊपर नीचे भाग रहा है भाई, टक 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 टक। उस भागने की आवाज से बिल्डिंग में जितने बंदे रह रहे ना सारे के सारे उठ गए, चारों फ्लोर उठ गए रात के 3:30 बजे, टक टक आवाज आ रही। मेरे डैड, मेरी सिस्टर हिम्मत दिखा के मेरे डैड स्टेज की तरफ देख रहे, जैसे ओनर अपना गेट खोला और हमारी स्टेज की तरफ ऊपर आ रहा था ना, वो हील्स भी ऊपर भाग रही थी एस्केप करने के लिए, टक 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 टक, हील्स, लेडीज हील्स चलते ना वो आवाज, हमको आवाज आ रहा है, फील हो रहा है कि कोई ऊपर चढ़ गया आ रहा है भाग के। डैड और सिस्टर ने देखा कोई नहीं, बट आवाज आते हुए जा रही है। छत का पेंट हाउस का डोर हमेशा लॉक्ड होता है क्योंकि ऊपर फैमिली रहती है, तो लोग गेट लॉक करके सोते, टेरेस पे जाने का ऑप्शन नहीं, नीचे मेन गेट लॉक, एंट्री गेट लॉक, आवाज का भी कोई है नहीं। उसके बाद ओनर ने पूरी बिल्डिंग में कुछ वास्तु का कुछ कराया, हमने वो घर भी छोड़ दिया। वो जो था ना भाई नाइट, मेरे मॉम डैड सिस्टर सबको आज तक वो नाइट कभी भूलेंगे नहीं, वो सबसे स्केरियस्ट नाइट था हम लोगों का, सबसे स्केरियस्ट। वो जो टक टक आवाज है ना आज भी आवाज सुनाई देती, भाई क्या आवाज थी।